आपकी पत्नी कहती हैं कि पति को छोड़ देंगे लेकिन YouTube नहीं छोड़ेंगे, ऐसा क्यों ये तो मजाक मजाक कहती है। है? मजाक करती नहीं, ये तो बहुत भारी मजाक करती है। बहुत भारी मजाक हो गया है ये नहीं, तो। मजाक करती है। हम इसके मजाक के आगे हम फीका पड़ जाते हैं। हम बाजार पर अचार में थे, हम 8 वर्ष के थे तब से हम सब्जी के कारोबार कर रहे थे। हम कितने संघर्ष किए हैं हम ही खुद जानते हैं। नहीं तो ये बाजार पर किसी से या गांव में किसी से पूछ लीजिएगा जी, ना बद चलन ना कोई थी ना कुछ। अपना चेहरे अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना देते हुए मैंने परिवार का ध्यान दिया है। बिल्कुल, जीवन में मतलब काफी आपने संघर्ष किया है। संघर्ष तो इतने किए हैं जो देख नहीं रहे, चेहरा किस तरह डाउन हो रहा है, इतना संघर्ष किए हैं। अब आप ही बताइए जी, आपको 50 किलो आलू लाद दिया जाए साइकिल पर तो आपसे चलेगे नहीं। बिल्कुल, मैंने 4 मन 5 मन साइकिल पर लाद कर पैदल चल कर आए, वो चढ़ाई पर वो चढ़ाए हैं ये कीड़े कर जाता था ये पांजरा। बताइए, इतने आपके हस्बैंड जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बोला ही है ना, मजाक मजाक में हो जाता दो है। अब किलो मान मलाई लीजिए आप कि अकेले खा रही हैं, आप बताइए 2 किलो मलाई आप नहीं, अकेले खा रहे हैं, अपने हस्बैंड को काहे नहीं खिला रहे हैं? ये ये बात दूध तो पीते हैं, ब्याह के पहले की दूध है। पीते हैं भाई साहब। हाँ ये दूध पीते देखिए हैं, ये मलाई सब खा बात जा रही है नहीं, ये। आपको बात जम बताए, ये जी विवाह के पहले की बात है। जी मान ले विवाह हो गया तो 20 दिन के बाद तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। विवाह अच्छा, विवाह के 20 दिन के बाद एक्सीडेंट हुआ, के 20वें दिन ही एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ मतलब काफी संघर्षपूर्ण जीवन है आपका। जी। तो पत्नी जो आपकी हैं ये तो सोशल पत्नी मीडिया पे पत्निये काम कर रही हैं, के तो बदौलत हम जिंदा है, इन्हीं के भाग हम जी रहे हैं, इनकी भाग हम तो मान लीजिए 24 जो 36 घंटा हम कुमा में थे। 36 घंटा में क्या हुआ कोई नहीं, हम जानते नहीं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, कुछ याद नहीं है यानी समझिए कि पत्नी ही आपके लिए भगवान की तरह है, जी जो आपके जीवन में मात्र जी सहारा जी है, बाकी कोई और नहीं। इसी यूनि से मैंने जब अपने जीवन का साथी किया तो ये बोली कि तो हम कहें हम ही कमाते हैं तो तुम काहे से, मैं तो कहे हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हम कहे चलो कोई बात नहीं है, हम कहे अपने से चुन लो जो क्या करना है, हम तो हेल्प करेंगे। मैंने फॉर्म लिया था डॉक्टरी का, इनका माइंड और ये बहुत तेज है। मैं बोले जी अब हम नहीं पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे कि बच्चों के देखेंगे कि घर के ताना सहेंगे, अगर हम ब्यूटी पार्लर चलाएंगे। मैंने ब्यूटी पार्लर सिखाया इनको। अच्छा, मान लीजिए कि अभी सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, अगर हीरोइन बनने का आपके पत्नी को ऑफर आता है तो आप क्या कीजिएगा, जाने दीजिएगा? देखिए इनका शौक है, इनका शौक करना हमारा धर्म है, इसमें कोई शक नहीं। इनका शौक है हीरोइन बनने के लिए तो बन सकती है, इसमें हमें कोई रोक नहीं है। तो वो मतलब कहीं भी आना जाना पड़ेगा, अगर पटना कोई बुला दे तो क्या उतनी आजादी आप दिए हैं उनको, ये जा सकती है आ सकती है? तो उसके लिए हम है न जी, आना जाना पहले तो हम तो उसका अथी निदान निकालेंगे जो कैसे क्या हो रहा है, कितना दिन लगेगा, हमारे पास समय है कि नहीं है, बिल्कुल, बच्चों को देखना है। मतलब देवा आपने पत्नी धर्म भी आप साथ साथ में निभा रहे हैं, आप जो है पति धर्म निभाती हैं ना? अभी तो सामने ही बैठे हैं, पूछ लीजिए क्या करते हैं कहने की क्या क्या जी, बात है। ये पति धर्म निभाती है ना आपके साथ? जी, अभी ना मेरे बेवचू या कोई बात नहीं करती किसी से, या कोई बात नहीं, देख रहे हैं सामने किसी का फोन मेरे ही पास आ रहा है। बिल्कुल, भाभी जो है इनको आप देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही हैं टाइम नहीं दे पा रही हैं कहते हैं कि पैसा जब कमाने लगेंगे तो हर रिश्ता मिल जाता है, तो पति भी मिल जाएगा, देख तो देख रहे हैं भाई साहब, सुनिए पहले बात मेरी सुनिए, ऐसी बात नहीं कि देखिए थंबनेल पर आप यही लगा दीजिएगा पहले बातों को जानिए। जब पैसा आने लगेगा तो थोड़ी सी परेशानियां दूर हो जाएगी, फिर जी इनसे कंटेंट ज्यादा नजदीकी में हो जाएगा। अभी तो मान लीजिए कारोबार करते हैं, ये अपनी सब्जी की दुकान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ वीडियो वाला, तभी तो दोनों अलग अलग हो ही जाते हैं और समय नहीं मिल पाता, तभी तो हम एक जगह नहीं हो पाते, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, ये अपने काम में बिजी रहते हैं। और मान लीजिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा इनकम आने लगेगा तो फिर सब्जी वाला दुकान छोड़ा देंगे, फिर अपने ही बिल्कुल साथ रखेंगे, तो फिर तो पूरा समय इनका ही है। बिल्कुल,
तो यही बात है, अभी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, बच्चों अपने पढ़ाई में बिजी रहते लेकिन हैं। उसमें से भी पति का तो हक है ना कि पति को भी टाइम दिया हाँ जाए, तो उनका देते हैं ना, देखभाल बिल्कुल देते हैं ना, देख रेख बोले किया पहले जाए। भी मैंने बोला कि खाना वाना दे देते हैं, मोबाइल लेकिन इनके पास ही बैठ जाते हैं तो बोला ही तो मैंने। मतलब खाना दे दिए, बाकी से बात बंद, मोबाइल में बिजी। हाँ बात भी सुनते हो, नहीं ऐसी बात नहीं, हाँ बात अगर जो करना होता है तो ये अपने दुकान पे बैठते हैं, तो जितना लोग बात नहीं करते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ वो शहर में रह के, दुबई में रह के, बाहर रह के, जी मतलब दिल्ली वगैरह जहाँ भी जो रहते हैं, उतना बात नहीं करते जितना हम घर पे रह के बात करते हैं। तो पर्सनल मैटर तो उसी में बात हो जाता है, अब सामने क्या बात होगा तो बताओ, अब इतना आप बोल रहे हैं कि इतना मैं बातें कर लेती हूँ, तो भाई हाँ साहब फोन से तो कभी बात एतराज नहीं होता है? ज्यादा बोलती है क्या ये, ज्यादा ज्यादा बोलती है क्या? बोलती है तू अपने मुंह से बोलती है, हमारा कहते हम तो कम सुन ले आदमी, आधा बात सुनते हैं आधा बात। आधा इग्नोर हो जाता है मतलब लगता है कि माथा खा रही है, लगता है ये कभी कभी बात नहीं माथा है, खा रही हम है समझ में आ जाता है जी छुपा अब नहीं, रहे ये बात छुपाने वाली बात नहीं है, हम हैं दोनों आदमी में किसी बात को हम छुपाते नहीं है, हाँ ये पहल का सिद्धांत है, ये अच्छा पहल अच्छा का। ऐसे एक चीज बताइए भाई, कभी आप घर पे गए खूब टेंशन में हो, जेब में पैसा नहीं हो, इनका कुछ डिमांड हो, तब उस वक्त क्या होता है आपके मन में? ऐसा बात हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है जी, कभी नहीं हम नहीं इतना डिमांड करते ही नहीं है हुआ। जितना कि इनके माथे पर टेंशन हो, अच्छा टेंशन नहीं देती है बिल्कुल ये नहीं पहल का चालाकी है जी, ये हाँ मारे माथे के अथी देख कर ही पता कर लेती है जी क्या टेंशन है, मतलब साइलेंट। कभी ऐसा हो ना पड़ा कि ये कुछ बोल रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, तो ना ये चुप हो रहे हैं ना आप चुप हो रही हैं, यही झगड़ा तो बढ़ता बात ही जा नहीं रहा है। होती है ना, यही हाँ बात नहीं होती है, अगर ये झगड़ा करते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, और मैं धीरे धीरे फिर उस बात को 2 दिन बाद में उभारती हूँ, और मतलब फिर छोड़ती नहीं हाँ ना है छोड़ने वाली बात नहीं है, चाहे 2 दिन करते बाद ही हाँ बात दो होना दिन है बाद करे, अरे 3 दिन बाद करे, पर वो बात बाप को जरूर जवाब देंगे, तो ही जाके हमारा आत्मा शांति होता है, और बाप देते हैं तो ये सीधे झोरा झंडा अपना उठाते हैं और सीधे दुकान पे आ जाते हैं, ये ये सुनते उसका भी जवाब नहीं देते नहीं, हैं, इनको पता है कि हम कैसे हैं। अब झुक जाना ही बेहतर है, नहीं तो है बिल्कुल पति पत्नी का रिश्ता यही नहीं है, दूसरा कौन है। बिल्कुल। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के प्रति कि आप लोग जो हैं जितना हो सके आप आगे बढ़ें, और खूब ढेर सारा पब्लिक जो है आपको प्यार दुलार दे, आशीर्वाद दे, आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी।